सो हेलो गाइस, जादू हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जुरासिक वर्ल्ड गेम। और फाइनली भाई, हम लोग आज यहाँ पे बॉस को हराने वाले। भाई दो दिन से बॉस आया हुआ है, लिटरली मैंने एक भी बैटल्स नहीं ली बॉस के साथ। एंड भाई एक ही दिन का टाइम बचा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ भाई आज हम लोग बॉस की थोड़ी सी पिटाई कर देते हैं। लेकिन उससे पहले भाई अपने डेली के काम, भाई चलो जल्दी से उनको भी निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे ये डायनो हो चुका है इवोल्व। नाइस भाई, क्या है जैन जी, पता नहीं क्या नाम है इसका। इसको करते हैं लेवल 30 का, एंड करने के लिए डाल देते हैं भाई मैक्स लेवल का। चलो ये यहाँ पे मैक्स लेवल का हो जाएगा। एंड इसके अलावा भाई यहाँ पे क्या है भाई, ट्रेड्स हैं। ट्रेड में ये वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले चलते भाई डेकोरेशन। ओ मेरे डेकोरेशंस ख़त्म होने वाले हैं, पहले मुझे थोड़े से डेकोरेशन भी फार्म करने पड़ेंगे। ओके भाई, यही तो चाहिए था भाई, मिल गया फाइनली भाई, हमारा आज का कोटा पूरा हो गया। अब हमें भाई कुछ नहीं चाहिए, वैसे ये वाला भी अच्छा है, इसको भी ले लेते हैं। एंड इसके अलावा ओह एक और है, थेरी जीनस के बदले कैश नहीं देने वाला भाई। ओह ये वाला मस्त है भाई, कॉइन के बदले लॉयल्टी पॉइंट्स। चलो फाइनली थोड़े से लॉयल्टी पॉइंट्स मिले हैं आज भाई अच्छे वाले। एंड पहले मुझे ना ये करने दो भाई, क्या बोलते हैं, डेकोरेशंस को फार्म करने दो, एंड उसके बाद वापस से ट्रेडिंग करेंगे। ये देख लो एक ही डेकोरेशन बचा है हमारे पास, तो थोड़े से और लगा लेने दो भाई मुझे, क्योंकि भाई डेकोरेशन के बदले तुमने देखा ही है भाई कितने अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं हमें, तो डेकोरेशन होना ज़रूरी है भाई इन्वेंट्री के अंदर। एंड इनको कर लेते हैं भाई अपनी इन्वेंट्री में 5-6 महीने। अबे यार गेम क्रैश हो गया। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली वापस आ चुके हैं गेम के अंदर। एंड क्या बोलते हैं, चलो अभी ट्रेड कंप्लीट करते हैं भाई। ओके चलो रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं। एप्टोसोरस के बदले ओ नाइस, ये वाला अच्छा है, इसको भी ले लेंगे। ओ भाई साहब, कॉइन के बदले लॉयल्टी पॉइंट्स, ये तो भाई मुझे चाहिए ही चाहिए, कॉइन्स तो मेरे पास भरे पड़े हैं भाई। एंड यहाँ पे एक और था भाई लॉयल्टी पॉइंट वाला, कहाँ गया ये भाई। फूड के बदले 700 लॉयल्टी पॉइंट, ये भी चाहिए मुझे। एंड और क्या था भाई, कुछ नहीं था, चलो। और इधर भी कुछ है, ओ भाई ये भी चाहिए। फूड के बदले भाई 3000 डीएनए मिल रहा था, वो भी मैंने ले लिया, क्योंकि डीएनए भी चाहिए यार हमें, डीएनए की काफ़ी ज़्यादा कमी है फ़िलहाल मेरे पास। देख रहे हो भाई एप्टोसोरस के बदले यार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है भाई, लास्ट टाइम हम लोग करते हैं रिफ्रेश, एंड देखते हैं भाई लास्ट बार में हमें कुछ मिलता है कि नहीं। नहीं भाई, भाई डायनासोरस के बदले मैं कुछ ना देने वाला भाई। चलो फाइनली भाई हमने यहाँ पे कर ली है अपने थोड़ी सी ट्रेडिंग, एंड अब चलते भाई एक और काम करना है मुझे यहाँ पे भाई। मेरा तुम देख सकते हो क्या नाम है भाई इसका, स्टेगोसेराटोप्स, ये हो चुका है भाई हैच, तो इसको करते हैं प्लेस। एंड अपने स्टेगोसेराटोप्स को भाई कर देते हैं मैक्स लेवल का, लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा। और एक बार में ही हो गया भाई, क्या बात है भाई, अच्छा लगा मुझे, एक बार में ही कम्प्लीट हो गया। इसको कर देते हैं भाई मैक्स लेवल का, काफ़ी अच्छा दिख रहा है वैसे, काफ़ी बड़ा है भाई, स्क्रीन में फिट नहीं आ रहा भाई ये। चलो फाइनली एक और डायनो मैक्स लेवल का हो गया भाई। सुपर रेयर ऑलमोस्ट सारे ही मैक्स लेवल के हो चुके हैं, तो अब बचा है भाई हमारा ये स्टेगोसेराटोप्स, इसको भी करेंगे आज मैक्स लेवल का। मैंने 8 यहाँ पे हैच कर लिए हैं। ऑलराइट, तो चलो पहले इसको लेवल 20 का करते हैं भाई, देखते हैं कैसा रहता है लेवल 20 का। एक बार में ही कंप्लीट हो गया भाई, क्या बात है। चलो हमारे थोड़े से यहाँ पे कैश बच गया, एंड ये रहा भाई लेवल 20 का, इसको पहले लेवल 20 का करते, लेवल 11 का था। ओके 1400 की हेल्थ है एंड 361 का डैमेज है, अच्छा है, लेकिन भाई हमें 20 लेवल का नहीं चाहिए भाई, 30 लेवल का बनाओ इसको। चलो भाई देखते एक बार में होगा कि नहीं, नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, पैसे की कमी थोड़ी है भाई। अबे यार इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं है कि मैं बार बार करता रहूँ भाई, हो जा यार। चलो इस बार फाइनल है। ओके तो चलो यहाँ पे हो चुका है लेवल 21 का। ओ भाई साहब कलर वलर तो एकदम मस्त हो गए भाई इसके, अच्छा है भाई।
तो गाइस फाइनली ये रहा लेवल 20 का, इसको बनाते हैं लेवल 30 का। एंड 30 लेवल पे भाई इसकी 2150 की हेल्थ है एंड 550 का यहाँ पे इसका डैमेज हो चुका है। अच्छा है भाई। एंड पहले मुझे यहाँ पे कोड 19 बेकार है भाई, मुझे लगा अच्छा होगा। खैर छोड़ो, अभी चलते भाई इसको करते हैं लेवल 40 का। भाई लेवल 31 का करते हैं पहले, तो उसके बाद 40 का करेंगे। तो लगाते भाई हैचरी में, 12 घंटे स्किप करने पड़ेंगे, एक बार में हो गया भाई। क्या बात है यार, सच में आज मेरा लक्की डे था। तो चलो फाइनली ये हो चुका है भाई। कितने अभी पहले कोड 19 देख लेते हैं। ओह ये वाला मस्त है भाई, इसको करने दो मुझे एक मिनट, रुक जा भाई। कौन सा डायनो है? राजा स्टेगा भाई, इसका बहुत ज़्यादा कोड 19 आता है यार। क्या बात है, राजा स्टेगा यहाँ पे खुश नहीं है क्या भाई? बार बार इसका कोड 19 आता है। चलो 1 2 3 4 5 6, क्या बात है भाई। लगता है मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँगा क्योंकि इजी वाले आ रहे हैं। ओ भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट था भाई, अभी मिस हो जाता। चलो यहाँ पे भाई कितने कोड 19 बचे, मतलब कितने बार, अभी 15 बार और हमें चलना पड़ेगा। ऑलराइट भाई, ब्लू लाइन तक मैंने यहाँ पे पहुँचा दिया है, बस ग्रीन लाइन तक पहुँचा दूँ उसके बाद 10 सुपर रेयर डीएनए मिलेंगे, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। 10 सुपर रेयर डीएनए मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा है। एंड फाइनली भाई यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है कोड 19, और इसके अंदर भाई हमें 400 भी टीएनए नहीं मिले यार। मुझे लगा था 400 तक तो मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले, चलो कोई नहीं। तो ये रहा भाई लेवल 31 का स्टेगोसेराटॉप्स। वो भाई साहब क्या मस्त भाई, काटे वाटे एकदम झकास आ चुके हैं इसके। एंड इसको बनाते हैं भाई लेवल 40 का। तो लेवल 40 में भाई इसकी 3000 की हेल्थ है एंड 778 का डैमेज है भाई। नाइस भाई, काफ़ी अच्छा डायनो है। तो चलो भाई एक और रेयर डायनो है, सुपर रेयर डायनो भाई यहाँ पे मैक्स लेवल का हो गया, सुपर रेयर हाइब्रिड। हाइब्रिड सीरीज भी हमारी मस्त चल रही है और यहाँ पे बैच भी कंप्लीट हो गया हमारा। एंड ये देखो भाई, ये है वो बॉस भाई, क्या नाम है इसका? ओ ये भी कंप्लीट हो गया भाई, ये कब कंप्लीट हुआ भाई? इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई। चलो कोई नहीं, देखते हैं मैं इसके अंदर क्या मिलता है भाई। 1000 डीएनए, नाइस भाई। एंड थेरिजिनोसोरस का कार्ड, ये भी अच्छा है भाई। इसका ट्रॉफी नहीं मिला यार हमें भाई, बॉस का ट्रॉफी मिलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। वैसे भी ये नया बॉस है यार, मतलब नया नहीं है लेकिन फिर भी भाई इसकी ट्रॉफी नहीं है मेरे पास, अगर मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एंड बाय द वे हर्बीवोरस है ये, तो मुझे अपने तगड़े वाले कार्निवोरस लेने पड़ेंगे। पहले हम लेते हैं स्टेगोसेराटॉप्स को। ये देखो भाई, ये है वो भाई कार्नोरेप्टर के पीछे, ये भाई ये तो बहुत गंदा है भाई। कार्नोरेप्टर एक रेयर डायनो है एंड ये सुपर रेयर था भाई, फिर भी कार्नोरेप्टर से पीछे रह गया, ये अच्छी बात नहीं है भाई। चलो कोई नहीं, यहाँ पे क्रोमा स्पाइनस को भी मैंने रिवाइव कर लिया है। एंड फाइनली भाई बॉस की बैंड हो जाते हैं। वैसे बॉस अच्छा लग रहा है लेकिन उतने ज़्यादा बॉस टाइप का नहीं लग रहा भाई, ये सिर्फ कलर बॉस वाले, बाकी डिज़ाइन तो नॉर्मल ही है इसका, कांटे वाटे नहीं है बहुत ज़्यादा। ऑलराइट चलो, ये तो मेरे डायनो को डाउन नहीं कर पाएगा भाई, बहुत ही लो डैमेज है इसका। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 8 पॉइंट इकट्ठा कर लेते हैं एंड उसके बाद देखेंगे भाई क्या करना है। 2 अटैक देते हैं, देखते हैं क्या किया भाई इसने। एक शील्ड लगाई थी, मतलब इसको 700 का डैमेज पड़ा है। एंड भाई 6 पॉइंट हो चुके हैं इसके पास, अगर ये 8 के 8 अटैक मारेगा तो भी मेरा डायनो यहाँ पर डाउन नहीं होगा भाई। ओ भाई साहब, 7 अटैक में ही इसने मेरी बैंड बजा दी। चलो अब मैं भाई इसके ऊपर करने वाला हूँ 7 का अटैक एंड देखते हैं भाई क्या होता है इसका, मतलब क्या ही होगा, कितना डैमेज जाना है ये देखना है भाई बस हमें। 7 अटैक में यहाँ पे 60,000 आई थिंक, 61,000 भाई, 61,000 का डैमेज यहाँ पे जा चुका है पहले बार में ही। नाइस भाई, इंडोरेप्टर ओपी। चलो भाई अब देखते हैं ये क्या करता है भाई। वैसे ये क्या ही कर लेगा भाई, इसका क्या ही है, कितना अटैक हुआ भाई अभी,
इसका हुआ है 139 का, ज़्यादा नहीं है। वापस से भाई स्विच करते हैं स्टेगोसेराटॉप्स पे एंड 3 पॉइंट को वापस से होल्ड कर लेते हैं। और इसके पास हो चुके हैं भाई टोटल 7 पॉइंट, और ये हमारे ऊपर करेगा भाई 6 अटैक करेगा। चलो कोई नहीं भाई, अभी हमारे पास वापस से 7 पॉइंट आने वाले हैं और मैं वापस से भाई 7 के 7 अटैक करूंगा इसके ऊपर। बस इसने शील्ड ना लगाया वरना दिक्कत होगी थोड़ी सी। एंड भाई चलो फाइनली इसने शील्ड नहीं लगाया था, और अब भाई इसको वापस से 60,000 का डैमेज पड़ने वाला है। भाई दो बार हमने 60,000 का डैमेज दिया इसको, मज़ा आ गया भाई। हमने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया इसको दो राउंड में ही, और अभी हमारा क्रोमा स्पाइनल जिंदा है, वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा टक्कर देगा। 5 अटैक है भाई इसके पास, देखते हैं ये क्या करता है। 5 के 5 अटैक किए और हमें कितना डैमेज पड़ेगा भाई। 30% यहाँ पे डैमेज हो गया भाई। हम चलो क्रोमा स्पाइनस को स्विच करते हैं भाई। क्रोमा स्पाइनस का अटैक जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इंडोरेप्टर को बचा रहा हूँ भाई। लास्ट में अटैक हमें काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। ऑलराइट, इसने अटैक नहीं किया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 4 पॉइंट होल्ड करेंगे, 3 पॉइंट का डैमेज देंगे इसको। ओ भाई साहब, इसने एक ही शील्ड लगाई थी, मतलब ये भाई एक और बार नॉक हो गया यहाँ पे। भाई देख रहे हो कितने आराम से उठता है भाई, ये देखो भाई साहब, लग रहा है भाई सो के उठ रहा है ये। चलो आलसी बॉस है थोड़ा सा, 7 पॉइंट है, देखते हैं क्या करता है भाई। अटैक करेगा, 7 के 7 अटैक दिया भाई इसने। वो भाई क्या मस्त घूम के मार रहा है भाई ये। अटैक तो अच्छा है इसका, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं भाई, क्योंकि क्रोमा स्पाइनस की हेल्थ बहुत ज़्यादा है, इतनी इजीली तो डाउन नहीं होगा। बाय द वे भाई, हमने यहाँ पे इसको 8 का अटैक दिया है, एंड देखते हैं भाई 8 के अटैक पे इसको कितना डैमेज पड़ता है। ओनली 48,000 का। ठीक है, अगर इंडोरेप्टर भाई 8 का डैमेज देता तो 80,000 का डैमेज इसको पड़ जाता आराम से, लेकिन कोई नहीं भाई, क्रोमा स्पाइनस फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्यारा है भाई। डैमेज उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी भाई क्रोमा स्पाइनस ओपी है। तो चलो भाई 6 पॉइंट है, अगर ये इस बार 6 के 6 अटैक करता है तो क्रोमा स्पाइनस डेड है भाई। 5 अटैक में भी डेड है, कोई चांस नहीं है भाई क्रोमा स्पाइनस का बचने का यहाँ पे। और मेरे पास 8 पॉइंट है, मैं 8 के 8 अटैक करने वाला हूँ इसके ऊपर, लेकिन दिक्कत तब होगी जब ये एक शील्ड लगा लेगा तब भाई। बस ये एक शील्ड ना लगाए, ओके लगा लिया भाई इसने। चलो फिर भी भाई 60,000 तो हमारे डैमेज पक्का है। 3 बार भाई हमने अपने इंडोरेप्टर इसको 60,000 का डैमेज दिया है, मतलब भाई हमने अच्छा खासा डैमेज इसको दे दिया है। एंड अभी ये क्या करेगा भाई, 6 लेवल का बॉस हो चुका है हमारा, तो 4 पॉइंट है इसके पास और अटैक नहीं किया इसने। मैं भी 4 पॉइंट होल्ड करता हूँ, देखता हूँ भाई अगर मैं इसके ऊपर 8 के 8 अटैक कर पाया तो भाई मज़ा आ जाएगा। बस ये मेरे ऊपर अटैक ना करे भाई ज़्यादा। 4 पॉइंट होल्ड करेंगे, 4 शील्ड लगाएंगे भाई इस बार। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे ऊपर अटैक करे भाई, अपने पूरे पॉइंट मेरे ऊपर ये खर्च कर दे, उसके बाद मैं इजी पीजी इसको डाउन करूँगा भाई 8 अटैक में। 5 अटैक क्यों दे रहा है भाई। 2 पॉइंट अभी भी शील्ड है इसके पास, देखते हैं भाई शील्ड लगाया कि। ओ भाई साहब, शील्ड लगा ली थी यार इसने। चलो कोई नहीं, एक और बार यहाँ पे हमने इसको नॉकआउट कर दिया भाई। इस बार 47,000 का डैमेज पड़ा इसको। 7 लेवल का बॉस हमने यहाँ पे कर दिया है भाई अपनी पहली बैटल में ही। भाई 10 लेवल का कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन हमें ज़्यादा डैमेज पर ध्यान देना है, लेवल पर ध्यान नहीं देना भाई। 4 पॉइंट वापस से होल्ड करता हूँ मैं, और भाई इसके पास 6 पॉइंट है। अगर ये 6 के 6 अटैक करेगा तो मैं यहाँ पे डाउन हो सकता हूँ भाई, मत करना प्लीज़। ओ भाई साहब, 6 के 6 अटैक कर दिया यार इसने। चलो भाई, इंडोरेप्टर RIP हो गया भाई यहाँ पे, मतलब RIP नहीं, रेस्ट करने के लिए चला गया भाई। तो चलो फाइनली ये थी भाई, हमने बॉस को ऑलमोस्ट 3 लाख का डैमेज दिया एक बैटल में ही, मज़ा आ गया भाई। बॉस भी अच्छा था,
लुक वाइज एकदम मस्त था। बाकी हमें देखते हैं कितना डीएनए मिलता है। अच्छा खासा डीएनए मिलने वाला है भाई हमको, 750। नाइस भाई, 1000 और इसके बाद भाई 1500, क्या 2000 मिलेगा? ओ भाई 2000 और, क्या बात है, अब नहीं मिलेगा भाई। एक और बैटल अगर हम लड़े तो मिल सकता है, लेकिन नहीं लड़ना भाई। आज की वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल। तो चलो भाई, आज हमने क्या क्या किया भाई, बॉस की बैंड बजाई, एक डायनो को, दो डायनो को मैक्स किया भाई, इसको भी तो मैक्स लेवल का बनाया हमने। एंड अभी क्या करते हैं, पहले इवोल्व करने के लिए डाल देते हैं भाई इसको, टेरेनो टाइटन। चलो ये भी 30 लेवल का हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो गाइस कैसा लगा भाई आज का एपिसोड? अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में, जुरासिक वर्ल्ड दी गेम के।